नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ते अपराध के बारे में। जी हाँ, जब तक लॉकडाउन रहा था लोगों को लग रहा था कि हमारे समाज में अपराध खत्म सा हो गए। जी नहीं, लॉकडाउन के चलते हमें सच में पता हमारे समाज में बढ़ रहे अपराध की असलियत सामने आई। औरत जितना बाहर परेशान है उससे कहीं ज़्यादा घर में है। जी हाँ, पुलिस केस में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन्स के अलग अलग चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े परिवार के वाद भी परेशान है। और सबसे ज़्यादा एक औरत को जहाँ बाहर ईव टीज किया परेशान किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मोलेस्ट किया जाता है। और वही चीज़ अब हमारे घर में भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लड़ाई झगड़े आदि, यह सब वह झेलती है, ना केवल घर के बाहर घर के अंदर भी। तो यह हमारे समाज की ही गलती है। हम अपने समाज को तो बदलना चाहते हैं पर हम अपनी सोच बदलना नहीं चाहते हैं। जहां बात रही एक औरत की, हमारे भारत में 86% औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, परंतु यह हम जानते हैं। और कई तो ऐसी हैं जो कि बोलती नहीं है। 72% वो सोचती हैं कि ये मार पिटाई जो है ये नॉर्मल है, बच्चा हो गया है, तो वह चुप हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगी तो कोई और नहीं। ये छोड़िए, अभी राजस्थान का एक केस सामने आया, एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके पिता को धमकाया गया। ना केवल धमकाया गया, रेप के बाद उसके पिता ने जब एक्शन लेने की सोची तो उनका मर्डर कर दिया गया और वहाँ के एक पेड़ पे उनकी लाश लटका दी गई। आज भी हमारा समाज किस समाज की कल्पना कर रहा है जब वह ऐसी चीज़ें ही नहीं सुधार सकता। कभी आपने सुना है कि लड़कों के ऊपर गाली दी जाती है? किसी भी लड़के से आपने सुना है या किसी भी लड़के से सुना है कि वो भाई की गाली दे रही है या बाप की गाली दे रही है? नहीं, हर गाली में माँ और बहन का यूज़ हो रहा है। क्यों? ये भी तो हमने ही बनाए हैं। हमने उस औरत को और कमज़ोर बना दिया, अपनी गालियों में यूज़ करने लगे हम। लेकिन हम जानते नहीं हैं जिस औरत को आपने फिजिकली मेंटली इतना कमज़ोर बना रखा है, दिखा रखा है, अब टाइम आ गया है कि अब आपको उसकी पावर को बताना है कि एग्जैक्टली उसकी पावर है क्या। अगर वो है तो ये संसार है। और अब आप भी सहना बंद करो, अपने लिए कहना शुरू करो। ये मोर्चा ठान लोगे तो आगे निकल जाओगे, वरना वहीं सहते रह जाओगे और रोते रह जाओगे। कुछ करो। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, पर अब स्त्री को भी आगे बढ़ाओ, उसे घटाओ मत। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आगे भी सुनना पसंद करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक्स।